जालौन की उरई में रविवार को पारगाह ए बाबुल मुराद मोहनपुरा बजरिया उरई में मजलिस में खिताब फरमाया। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य शिया धर्मगुरु कलवे जवाद तालिबान पर खूब भड़के। उन्होंने कहा कि तालिबानी विश्व के सबसे खूंखार और जालिम लोग हैं। वही अफगानिस्तान पर कब्जा कर तालिबानी विश्व में आज इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। वो बेगुनाहों को मार रहे हैं। ये तालिबानी सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति और दुनिया के लिए खतरनाक है। ये बेगुनाहों को मारने में लगे हुए हैं। इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों का बेरहमी से कत्ल कर रहे हैं। ये बातें शिया धर्मगुरु कलवे जवाद ने मुहर्रम में मजलिस करने के बाद मीडिया से कही। दहशत लोगों की सही है क्योंकि वो तालिबानी है ही दहशतगर्द, दहशतगर्द ही तो लोग दहशत में रहते हैं। और हमेशा उन्होंने बेगुनाहों को मारा है, हमेशा उन्होंने बच्चों औरतों और बेगुनाह लोगों को मारा है। और उन्होंने खासतौर से शियों को टारगेट किया, लाखों लाख शिया मार दिए। उसके बाद सूफियों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। उसके बाद सूफी पता नहीं कितने मार दिए, कितनी दरगाहों को बम से बाबा फरीद गंज शकर, इतनी अजीम हस्ती और इतने अजीम सूफी और के लाखों मारने वाले, उनके धमाका करके उन्होंने हज़ारों को मार दिया। ये वैसी जानवर है बल्कि वैसी जानवरों से भी बदतर नहीं है। तो इनके तो इस पर कोई भरोसा नहीं किया जाता, इसका कोई इतबार नहीं किया। कलवे जवाद ने आगे कहा कि तालिबान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। अन्य धर्म के लोगों पर मुस्लिम समाज के लोग आरोप लगाते हैं। अन्य धर्म के लोग उनकी जमात के लिए दुश्मन है जबकि मुसलमान ही मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में वहाँ की आवाम के साथ ही जो तालिबानियों की ओर से किया जा रहा है वो इस समय पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से ये खूंखार और जालिम वहाँ क्या कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।